दोस्तों जब से मैंने चैनल पे बीपीएससी सिलेबस से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया था प्री और मेंस से रिलेटेड, तभी से सिलेबस के बारे में आप लोग का काफ़ी मैसेज आ रहा है कि सर इसके ऑप्शनल के भी बारे में बताइए। तो जो प्री और मेंस का वीडियो था सिलेबस का, उसके बाद मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किए, जैसे कि हिस्ट्री ऑप्शनल, ज्योग्राफी ऑप्शनल और उसके बाद हिंदी भाषा और साहित्य का भी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किया था। आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया और वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर आपका इन सभी में से कोई ऑप्शनल नहीं है, अगर कोई दूसरा ऑप्शनल है तो कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आप लोगों ने बताया कि LSW के बारे में सर बताइए, जो मोस्ट रिक्वेस्टेड है वीडियो ये है LSW के बारे में। बहुत सारे मैसेज आए, कमेंट आए हैं LSW के बारे में, तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में आपको मैं LSW का सिलेबस एकदम से विस्तार में बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है ताकि आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो भी सिलेबस लिया गया है, जो भी कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो भी चैप्टर या फिर टॉपिक्स, ये सभी BPSC के वेबसाइट से लिया गया है। ये पूर्णतः संशोधित है, आप इसे देखिए और इसका PDF के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही इस चैनल पे जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आते हैं, सभी का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, वहाँ पे सारा का सारा PDF आपको एकदम से मिलता है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे LSW के बारे में। तो देखिए, अगर आपका LSW ऑप्शनल नहीं है, अगर कोई दूसरा है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर जरूर वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। हालांकि इससे पहले मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी भाषा और साहित्य का वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आपका इन तीनों में से कोई ऑप्शनल है तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। BPSC सिलेबस करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, आप वहां पे जाइएगा तो सभी चीज़ें वहां पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम बात करेंगे यहां पे LSW के बारे में। तो LSW यानी कि लेबर सोशल वेलफेयर, श्रम एवं समाज कल्याण, ये दो सेक्शन में बंटा होता है। आप सभी को पता होगा कि जो ऑप्शनल पेपर होता है वो एक पेपर होता है, पहले दो होता था लेकिन अब एक होता है। तो यहाँ पे ये दो सेक्शन में बंटा होता है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में। जो पहला सेक्शन होगा, पहला सेक्शन में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा श्रम विधान एवं श्रम प्रशासन। तो इसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ पढ़ने की जरूरत है, वो सभी चीज़ों को हम यहाँ पे आइए एकदम से बारीकी से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो इसमें सबसे पहला है वो है श्रम विधान के सिद्धांत, श्रम विधान के प्रकार। नेक्स्ट है भारत में श्रम विधान का संक्षिप्त इतिहास और भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध। और अगला है निम्नलिखित श्रम अधिनियम, जैसे कि यथा अद्यतन संशोधित मुख्य उपबंध एवं उनका मूल्यांकन। इसके अंतर्गत विभिन्न टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला है कारखाना अधिनियम 1948, दूसरा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, तीसरा है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, नेक्स्ट है समाज परिश्रमिक अधिनियम 1976, नेक्स्ट है कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, नेक्स्ट है प्रसूति हितलाभ अधिनियम 1961, और अगला है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, उपादान संदाय अधिनियम 1972, बाल श्रम अधिनियम 1986, बीड़ी तथा शिगार कर्मकार यानी कि नियोजन की शर्तें अधिनियम 1966, बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953, और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन गठन क्रियाकलाप, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का सृजन, भारतीय श्रम विधान पर प्रभाव। नेक्स्ट है बिहार में श्रम प्रशासन। तो ये आपको बिहार, ये आपको विधान, श्रम विधान और श्रम प्रशासन के अंतर्गत पढ़ने की आवश्यकता है। ये सिलेबस हालांकि इसका छोटा है, लेकिन थोड़ा सा मतलब इसमें जो डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन देखने में आपको छोटा लग रहा है लेकिन एक्चुअली में छोटा है नहीं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो आपका सेक्शन वन होगा वो सेक्शन वन के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे सेक्शन टू में। आई होप कि मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से समझाया क्या क्या चीज़ आपको पढ़ने की जरूरत है। देखिए, किसी भी एग्जाम को देने से पहले आपको सिलेबस के बारे में सही रूप से इसकी जानकारी होना आवश्यक होता है, क्योंकि आप समझते हैं कि जैसे सिलेबस होता है एग्जाम में उसी के अनुरूप पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सिलेबस को ध्यान में ना रखते हुए कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़ लेते हैं जो सिलेबस के अनुरूप नहीं होता, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होता है। वो अनावश्यक चीज़ें होती है जो हमारे एग्जाम के लिए नहीं होती है, हमारा समय बर्बाद होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो सिलेबस कहता है आपको उसी के अनुरूप पढ़ाई करना है। तो यहाँ पर आप समझ गए, ये सेक्शन वन में इस तरह के पूछे जाएंगे। और फिर हम आते हैं सेक्शन टू पे। तो सेक्शन टू में आपसे जो पूछे जाएंगे वो औद्योगिक संबंध एवं समाज कल्याण से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके अंतर्गत जो होगा औद्योगिक संबंध एवं श्रम संघ भारत और बिहार के संदर्भ में, तो इसके अंतर्गत आपसे जो पूछे जाएंगे औद्योगिक संबंध अवधारणा उसकी और विस्तार क्षेत्र और इसके मुख्य पहलू। नेक्स्ट है औद्योगिक विवाद व हड़ताल और इसके अंतर्गत रूप कारण और रोकथाम, औद्योगिक विवाद सुलझाने के विभिन्न तरीके, सामूहिक सौदेबाजी, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ये सभी पूछे जाएंगे। अगला है प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, इसके अंतर्गत इसके उद्देश्य, संस्थाएं, वर्तमान स्थिति, भारत में विफलता के कारण इसके क्या हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको पूछी जाएगी।
और नेक्स्ट है भारत में श्रम संघ और इसका संक्षिप्त इतिहास, प्रकार, उद्देश्य एवं प्राप्ति की विधियां, ढांचा एवं प्रशासन, राजनीतिक लगाव व नेतृत्व, प्रतिद्वंदिता एवं मान्यता की समस्या, श्रम संघ अधिनियम 1926 से यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट है अनुशासन संहिता व आचरण संहिता, तो ये सभी आपको औद्योगिक संबंध एवं श्रम संघ भारत और बिहार के संदर्भ में पूछे जाएंगे। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, इसी में मतलब सेक्शन 2 में ही दूसरा खंड है ये, तो यहाँ पे आपको समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं एक एक करके इसके अंतर्गत आपको क्या पूछे जाएंगे। तो सामाजिक सुरक्षा और इसके अंतर्गत इसका जो अर्थ क्षेत्र, प्राकृतिक एवं तरीके होंगे, ये सभी आपको सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है बेरोजगारी, बेरोजगारी अर्थ, प्रकार, कारण, दूर करने के उपाय, भारत में बेरोजगारी संबंधी कार्यक्रम, ये सभी यहाँ पूछे जाएंगे आपसे। नेक्स्ट निर्धनता, अर्थ, प्रकार, मात्रा, कारण, दूर करने के उपाय, भारत एवं बिहार में ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन संबंधी सरकार के विशेष कार्यक्रम के बारे में यहाँ आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है बाल श्रम, बालकों की समस्याएं और उनके लिए कल्याण कार्य, ये सभी यहाँ पे पूछे जाएंगे। अगला है महिला कल्याण, महिलाओं की समस्याएं, उसके लिए कल्याण कार्य। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, इसकी समस्याएं तथा कल्याण कार्य के बारे में यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है मतदान, मद्यपान निषेध, बिहार में इसकी स्थिति क्या है मद्यपान की, मद्यपान निषेध की, तो इनसे रिलेटेड प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है वेश्यावृत्ति, इसकी प्रकृति, कारण, प्रभाव और दूर करने के उपाय के बारे में यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और अगला है शिक्षावृत्ति, प्रकृति, कारण, बिहार में इसकी स्थिति क्या है, ये सभी यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। और अंतिम जो है वो है बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, जो कि वृद्धा पेंशन, अनियोजन भत्ता, समूह बीमा, बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वासन, ये सभी यहाँ पे आपको औद्योगिक संबंध एवं समाज कल्याण के अंतर्गत पूछा जाएगा। और इसका जो दूसरा टॉपिक में पूछा जाएगा ये, जो कि समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत ये पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आई होप कि ये जो सेक्शन 2 में था आप इसे काफ़ी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो यहाँ पर LHW यानी कि श्रम समाज कल्याण के अंतर्गत, जो यानी कि लेबर सोशल वेलफेयर के अंतर्गत जो हमारा सिलेबस है LHW का, वो आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। ये सभी टॉपिक्स आप कर लीजिए, आपकी सिलेक्शन काफ़ी अच्छी हो जाएगी, सिलेक्शन पक्की हो जाएगी। देखिए BPSC का जो सिलेबस है आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, और जो भी फालतू चीज़ें, अगर आप पूर्णतः BPSC एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, पूर्णतः BPSC एग्जाम पर ही केंद्रित है, तो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अनुरूप ही तैयारी कीजिए। अगर कोई और भी एग्जाम को लेकर आप चल रहे हैं, तब यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप सभी चीज़ों को पढ़िए, लेकिन अगर आप सिर्फ BPSC पर केंद्रित हैं तो सिर्फ BPSC से जो भी BPSC का सिलेबस है उसी के अनुरूप आप पढ़ाई कीजिए, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी और आप सफल हो पाएंगे। तो आज के इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, और आपको बता दूँ कि जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है 66वीं BPSC के लिए, जो साप्ताहिक टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है, ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, और इसकी खासियत यह है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल मिलता है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा पेड ग्रुप है आप वहाँ पे केवल 49 रुपये पे करके हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप पेड लिखकर मैसेज करेंगे और उसके बाद एक मैसेज जाएगा आपको, और उस मैसेज को पढ़ने के बाद आप वहाँ पे तमाम जानकारियाँ दी रहेगी पेमेंट करने के लिए। तो केवल 49 रुपये पे करके आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा पेड ग्रुप है, वहाँ पे आपको इसका PDF दिया जाता है जो टेस्ट सीरीज का होता है, और ये दोनों भाषा में होता है, हिंदी और इंग्लिश। ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी है, और यहाँ पे इसकी खास बात ये होगी कि ये पूर्णतः BPSC सिलेबस पे आधारित होगी, और यहाँ पे जिस तरह से BPSC में लगभग 30 से 35 प्रश्न करंट अफेयर्स के होते हैं, तो वो सभी चीज़ें भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। तो केवल 49 रुपये इसका कीमत रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस पे हेल्प हो सके। ये मत सोचिए कि कम कीमत है तो अच्छा क्वालिटी नहीं मिलेगा, बिल्कुल अच्छा क्वालिटी मिलेगा। इसका सिलेबस का सॉरी इसका जो टेस्ट सीरीज का वीडियो है चैनल पे अपलोड है, आप जाइए और देखिए प्रश्न का लेवल, और आप समझ पाएंगे ये आपके लिए उपयोगी है या नहीं। कम कीमत रखने का उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोगों को इसमें हेल्प मिल सके, बाकी कोई बात नहीं है। चलिए, अगर आप इच्छुक हैं तो इसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।